बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इम्पॉर्टेंट वन अल्कलाइड जो हम बात करते हैं जिसके मुतालिक, वो है सोलानीन। एक ग्लाइको अल्कलाइड है और पॉइजन के तौर पर एक्ट करता है ये। और सोलानीन हमने इसको नाम दिया क्योंकि ये सोलानेसी फैमिली या नाइट शेड फैमिली के मेंबर्स में होता है, और स्पेशली उसका जो जीनस है सोलानम, उसके मेंबर्स में ये एज अ पेस्टिसाइड वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पोटैटो है सोलानम ट्यूबरोसम, टोमेटो है जैसे सोलानम लाइकोपर्सिकम, एग प्लांट है या ब्रिंजल जिसे कहते हैं सोलानम मेलेंजीना, और नाइट शेड है सोलानम नाइग्रम। तो ये ऐसा अल्कलाइड है या सोलानीन जो है, ये जो प्रेजेंट होता है लीव्स ऑफ द प्लांट में, फ्रूट्स में और ट्यूबर्स में, तो पोटैटो के ट्यूबर्स में ये प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट को देता है उसका नेचुरल डिफेंस, उसे पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज दे दे के। और पहली दफ़ा हमने 1820 में इसे जो है वो आइसोलेट किया फ्रूट या बेरीज जो थी सोलानम नाइग्रम की उसमें से, तो इनमें ये पेस्टिसाइड्स के तौर पर एक्ट करता है हमारे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे सोलानीन इन द पोटैटोज। तो पोटैटोज में सोलानीन जो है वो चूँकि इनके ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है, तो तमाम ही प्लांट्स में लाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्हांसिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइको अल्कलाइड्स, स्पेशली सोलानीन। के लाइट पड़ेगी, क्लोरोफिल जो है ज़्यादा होगा, और क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्लांट्स हैं वो सोलानीन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम पोटैटो जो हैं उन्हें स्टोर करें लाइट वाली कंडीशन में, तो यूजुअली उनमें ऐसी ग्रीनिश ह्यू आ जाती है। तो ग्रीनिश ह्यू आएगी तो ज़ाहिर है फिर उनमें क्लोरोफिल इंक्रीज़ होगा, और क्लोरोफिल इंक्रीज़ होगा तो सोलानीन कॉन्टेंट्स जो हैं, सोलानीन कॉन्टेंट्स जो हैं वो भी इन्हांस हो जाएंगे। तो फिर आलुओं को हमें स्टोर करना चाहिए डार्क प्लेसेस पर। तो सोलानीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुकिंग, डीप फ्राइंग वगैरह इस पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट काज नहीं करता, जबकि राउंड अबाउट 50% जो है सोलानीन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है अगर हम पोटैटो को माइक्रोवेव कर दें तो। और सोलानीन की ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है पोटैटो स्किन में, तो जब हम पोटैटो स्किन जो है उतार लेते हैं तो ज़्यादातर सोलानीन कॉन्टेंट्स जो हैं राउंड अबाउट 30-80% जो है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। तो आइंदा जब भी आप बाज़ार से समोसे पकौड़े लेके खाएं तो ख़ास तौर पर देख लें कि उनकी स्किन उतरी हुई हो। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट सोलानीन।